हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल टेक्नो खान। तो यार आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं बाइक के टेम्परेचर मीटर की। तो टेम्परेचर मीटर आपने देखा ये होगा, जो बाइक्स महंगी बाइक होती हैं अक्सर उनके अंदर होता है, मतलब 1.5 से 2 लाख, और उससे जो ऊपर की बाइक होती है तो उसके अंदर कंपनी फिट करके देती है बाइक के अंदर टेम्परेचर मीटर। तो टेम्परेचर मीटर का काम ये होता है, अगर आप अपनी बाइक राइड कर रहे हो या स्कूटर राइड कर रहे हो तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक है कितनी हीट हो गई है और कितनी कूल है। अगर आपकी बाइक ज़्यादा हीट होने लग जाती है तो आपको पता लग जाता है कि अब चलाना बेकार है। तो इससे होगा क्या, आपका इंजन जो है सीज हो सकता है, मतलब आपका जब बाइक का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होने के बाद में क्या होगा, उसके वाल्व वगैरह होते हैं वो फूलने लग जाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका गैस्केट वगैरह ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा, अभी बीच में हम जा रहे थे, मतलब दिल्ली से कन्याकुमारी में गया तो हम बीच बीच में रुक जाते थे, क्योंकि स्कूटर में हमारे टेम्परेचर मीटर नहीं था तो हमें पता नहीं चलता था हमारा स्कूटर कितना गर्म हो चुका है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते थे, मतलब कि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, बस इससे ज़्यादा नहीं जाते थे। तो अगर इससे हम ज़्यादा जाते तो हमारा स्कूटर है तो उसका इंजन सीज होने का खतरा बहुत हो जाता था। बट अब ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, मतलब पूरी तो नहीं होगी, मतलब जो कंपनी से जो फिट होके आता है इतनी तो होगी नहीं, बट थोड़ा तो आपको फर्क दिखेगा। तो मैं आपको टेम्परेचर मीटर दिखाता हूँ। तो ये आ जाता है टेम्परेचर मीटर। तो आप सोच रहे हो टेम्परेचर मीटर कैसा टेम्परेचर मीटर, तो यार इसके ऊपर भी देख लो ज़रा। तो इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा सुई है, और अभी जैसे टेम्परेचर हो रहा है 41 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट ये टेम्परेचर है दिखा रहा है। एंड मैं आपको एक बारी फ़ोन में दिखा देता हूँ। तो ये देखिए टेम्परेचर बिल्कुल 41, और मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, ये देखो बस पॉइंट का फ़र्क है, मतलब कि 40 डिग्री इसके अंदर हो रखा है और 41 इसके अंदर हो रखा है, मतलब एक पॉइंट का फ़र्क है और बाकी तो सेम है टेम्परेचर। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ ठंडे पानी के अंदर, और फिर दिखाऊंगा इसको थोड़े गर्म पानी के अंदर। तो इससे आपको आइडिया ये होगा कि जो मीटर है हमारा ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो इसके अंदर आ गया हमारा आइस क्यूब और इसके अंदर है हमारा गर्म पानी, तो टेम्परेचर 41 डिग्री। तो अब इसको टेस्ट करता हूँ मैं कोल्ड वाटर में, यानी कि आइस क्यूब के साथ में। तो देखते हैं, ये देखिए इसकी जो सुई है वो नीचे आ रही है। सो ये 10 डिग्री पे आके रुक चुका है, तो अब इसको हम बाहर निकालते हैं। अब देख पा रहे हो इसकी सुई वापस ऊपर उठने लग गई है, क्योंकि अब ये हवा के साथ में हो चुका है मिक्स, और जो टेम्परेचर है हमारा 41 डिग्री हो चुका है, तो अब ये 41 पे जाके रुक जाएगा। तो अब हम करते हैं इसको गर्म पानी में टेस्ट। तो अब देखो ये आ गया गर्म पानी, अब ये देख पा रहे हो टेम्परेचर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये देखो ये आ गया 45, 49, 49.9, 50। तो टेम्परेचर हमारा पानी का है 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा, अब इसको दोबारा करता हूँ, तो ये देखो, तो ये इसकी सुई दोबारा नीचे आ रही है। तो ये तो हो चुका है हमारा मीटर पानी के साथ में टेस्ट। अब हम टेस्ट करेंगे इसको अपने स्कूटर के अंदर लगा के टेस्ट करूँगा, और थोड़ा चला के आऊँगा तो देखेंगे अपना स्कूटर में इसका कितना असर देखने को मिलता है। तो अपनी स्कूटी इधर है, तो आपने करना इतना है, ये जो आपका फ्यूल गेज होता है तो इसको खोल लीजिए। तो ऑयल गेज को खोलने के बाद में आपने जो टेम्परेचर मीटर है तो इसका पीछे वाला ये पार्ट खोल के पहले आप इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर दीजिए। तो इंस्टॉल करने के बाद में आपने जो टेम्परेचर मीटर है तो उसको भी आपने ऊपर से इस तरीके से टाइट कर देना है। तो ये आ चुका है एकदम बढ़िया सी। तो अभी नीचे वाला जो स्क्रू है वो थोड़ा ढीला है, तो इस वजह से इसका जो एंगल है वो सीधा नहीं आया, तो बाद में मैं इसको टाइट कर दूंगा। तो अभी तो फ़िलहाल आप देख सकते हो जो पूरे अच्छे से इसकी फिटिंग हो चुकी है, मतलब जो इसके थ्रेड्स हैं तो आपस में अच्छे से कंबाइंड हो चुका है। और अब चला के देखते हैं, तो अभी भी टेम्परेचर है आप देख सकते हो
40 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। देन अब मैं इसको थोड़ा एक राइड लेकर आता हूँ, तो अब देखते हैं फिर इसका टेम्परेचर कितना गिरेगा। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा यहीं पे इसको गर्म कर देता हूँ अपने इंजन को, और इससे अपना टेम्परेचर है तो और भी ज़्यादा ऊपर चले जाएगा। तो अभी स्टार्ट करके देखता हूँ। तो आपने देखा ये 40 से थोड़ा ऊपर आ चुका है, क्योंकि हमारा जो इंजन है तो इंजन हमारा गर्म होने लग गया। तो अब मैं इसको 5-7 मिनट और चलाऊंगा, तो फिर आप देखना कि इसकी सुई कहां तक ऊपर जाती है। तो अभी थोड़ी ठंडी है, तो अभी और चलाता हूं इसको। आप टेम्परेचर देख सकते हो, तो आ गया हमारा टेम्परेचर इसका 60 पर आ चुका है। मतलब फुल अच्छी तरीके से ये वर्क है कर रहा है मीटर। ये तो अभी बस थोड़ा सा मैंने इसको टेस्ट किया था, अगर मैं इसको थोड़ा और लंबा लेके जाता, मतलब कुछ घंटे और चलाता, तो इसका जो टेम्परेचर मीटर है थोड़ा और ऊपर उठ जाता। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से इसका टेम्परेचर मीटर है वो वर्क कर रहा था। अगर आपको ये टेम्परेचर मीटर परचेज़ करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा। और हाँ, ये आपकी बाइक में भी लग जाएगा, स्कूटर में भी लग जाएगा, बट ये KTM वगैरह में नहीं लग पाएगा, क्योंकि KTM का जो गेज होता है वो थोड़ा छोटा होता है। और आप इससे अपना जो ऑयल गेज है वो भी आप चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और हाँ, मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक।